अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नमान जंजू और आप देख रहे हैं व्लॉग एन जे। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी दुबई से सर्बिया तक की डंकी की। दुबई से बीच में हमने मॉन्टेनेग्रो की बात की थी, फिर सर्बिया जब ये इंटर हुए और सर्बिया में फिर ये कैंप में चले गए। तो सर्बिया में ये इनका स्टे था 15 दिन का। तो 15 दिन के बाद इनको बॉर्डर क्रॉसिंग करनी थी, और ये जब 15 दिन के बाद निकल के आए हैं, वापस बाहर आए हैं कैंप से, तो एजेंट ने इनको एक लोकेशन भेजी और बोला इनको कि उस लोकेशन पे पहुंच जाए, फिर हमें आगे गैम करनी है, रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस करना है, सॉरी सर्बिया का बॉर्डर क्रॉस करके रोमानिया में एंट्री करनी है। तो ये तकरीबन 7 लड़के थे इनके ग्रुप के, तो ये उस लोकेशन पे पहुंचे हैं, वहाँ से इनको गैम करवाएगी, सर्बिया से आगे एंट्री करवानी थी रोमानिया में। तो वहाँ पे तकरीबन ये 6 से 7 घंटे भागते रहे, चलते रहे, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना था। तो एक लोकेशन पे पहुंचे हैं जहाँ से बिल्कुल सामने इनको रोमानिया का बॉर्डर नजर आ रहा था। बकायदा कोई बॉर्डर तो नहीं था, कोई फेंस वगैरह नहीं लगी थी, जस्ट ये था कि वो सामने रोमानिया है और इस तरफ सर्बिया है। तो बीच में आ रही थी एक लेक, आ रही थी गंदा नाला, नाला टाइप था, कोई गहरा नहीं था, छोटा छोटा सा नाला था, वो आ रहा था। उसके इस तरफ सर्बिया था और परली साइड पे रोमानिया था। तो वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे ये रुके हैं, वहाँ पे असल में टैक्सी आनी थी इनकी, और टैक्सी ने आगे लेके जाना था आगे रोमानिया में किसी सिटी में किसी लोकेशन पे। तो उस लोकेशन पे ऑलरेडी 6 से 7 लड़के पहले मौजूद थे, जब ये गए तो ये तकरीबन 15-16 लड़के हो चुके थे वहाँ तक। तो टैक्सी एक आई, 6 के 7 घंटे बाद टैक्सी आई है, तो वो उनको जो पहला ग्रुप था उसको लेके चली गई। तो एजेंट ने बोला इनको आप वेट करें, तो दोबारा टैक्सी आएगी तो आपको हम गेम करवा देंगे। तो एक दिन वेट किया इन्होंने, कोई टैक्सी नहीं आई। दूसरे दिन रात को किसी टाइम टैक्सी आई है जिसने इनको क्रॉसिंग करवानी थी। तो रात को किसी टाइम ये लेट नाइट ले के निकली है इनको टैक्सी, 7 लड़के थे। असल में टैक्सी पीली वाली टैक्सी नहीं थी, ये प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, तो उनको ये टैक्सी की गैम बोलते हैं। तो उसमें बिठाया इन सबको, और आगे एजेंट ने इनको बोला था कि आपको रोमानिया में बकायदा मैं एक अकोमोडेशन दूंगा, कोई एक रूम दूंगा जहाँ पे आप लोग रुकेंगे, तो फिर वहाँ से आगे हम आपकी गेम करवाएंगे। तो जब ये टैक्सी में बैठ के, टैक्सी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि टैक्सी वाले ने इनको किस लोकेशन पे जाके उतारा, तो उसके उस लोकेशन पे आपको बताएंगे कि जिस लोकेशन पे टैक्सी वाले ने इनको उतारा है, वहाँ पे ये एक पार्क थी, उस पार्क में जाके टैक्सी वालों ने इनको उतार दिया। हालांकि इनकी बात ये हुई थी एजेंट के साथ कि हमें किसी रूम में या किसी होटल में, कोई भी ऐसी जगह में उतारना है जहाँ पे हम महफूज हों। तो टैक्सी वाले ने इनको पार्क में उतार दिया, पार्क में उतार के टैक्सी वाला चला गया। इन्होंने एजेंट से रापता किया, इनके एजेंट से रापता नहीं हो रहा था। तो फिर वहाँ पे तकरीबन 2-3 घंटे रुके। तो वो एक पब्लिक पार्क थी, तो उसमें अक्सर पुलिस भी आगे पीछे घूम रही होती है। तो जब इन्होंने पुलिस को देखा तो ये डर गए, क्योंकि इनको पता था कि इनका हुलिया भी ऐसा था और 5-6 लड़के ग्रुप था इनका, तो पुलिस भी समझ जाती, या पुलिस कुछ भी आके क्वेश्चन करती तो ये फंस जाती। तो वो वहाँ से उस पार्क से भाग गए, वहाँ से निकल के फिर एक जंगल वाली साइड पे चले गए। तो वहाँ पे एक खुला सा काफ़ी बड़ा एरिया है, मैदान सा था, उस मैदान में रुके हैं। मैं उसकी वीडियो शेयर करता हूँ, इसी के साथ ऐड करता हूँ, आप देख लीजिएगा वो मैदान की वीडियो सारी। तो उस लोकेशन पे ये रुके हैं तकरीबन 8 दिन, 7 से 8 दिन वहाँ पे ये रुके हैं। उस दौरान फर्दर रापता करते रहे एजेंट से कि हमारी गेम करवाओ, हमारी गेम करवाओ, तो एजेंट भी इनको लारी लगाता रहे। तो फिर आखिरकार ये बारिशें स्टार्ट हो गई, ये टाइम था नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा था, उसमें बारिशें स्टार्ट हो गई, स्नोफॉल भी आपको पता ही है यूरोप में स्नोफॉल भी ठीक ठाक होती है। और बारिशें जैसे स्टार्ट हुई, इनके पास रहने को मतलब एक मैदान है, आपने वीडियो देखी होगी उसमें इन्होंने कैसे सरवाइव किया है। 3 दिन उसके लिए बारिश में रुके हैं वहाँ पे,
तो जब एजेंट से कुछ ना हो पाया, कोई गेम नहीं समझ लग रही उसको थी, तो फिर उसने बोला कि आप लोग ऐसे करें, रोमानिया के कैंप में चले जाएं। रोमानिया के कैंप में इनको भेज दिया जब एजेंट ने, तो कैंप में इनका 1 मंथ का स्टे था कि 1 मंथ के दौरान आपने अगर कंट्री लीव करनी है, इससे निकलना है, तो आप खुद निकल जाए, नहीं तो डिपोर्ट कर देता है कैंप वाले ना। तो उस टाइम में फिर एजेंट इनसे गायब हो गया। असल में एजेंट इनको ठीक मिला नहीं था, वो बहुत 2 नंबरी कर रहा था इनके साथ। तो करते कराते आजकल करते करते उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका था कैंप में भी। मैं कैंप की वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ, कैंप के हालात देख लीजिएगा। उसमें मैंने कैंप की वॉशरूम की भी है, किचन की भी है, अंदर रूम्स की है, सारी वीडियो है ना, वो सारी वीडियो मैं शेयर करता हूँ, उसमें देख लीजिएगा कैंप के क्या हालात थे, रोमानिया कैंप की। ये रोमानिया के कैंप की ना वीडियो है, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इंटर होते साथ ही ये बेड लगे हैं और सामने एक लड़का लेटा है, इस बेड के नीचे भी एक लड़का लेटा है, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है ना, तो इस तरह लोकेशन में बहुत कम जगह होती है। एक किचन है, नो विंडो, नो भाई। गेम तो नहीं गया था? नहीं इंशाल्लाह। ये कैंप में इनका जब टाइम पूरा हो गया 1 मंथ, इन्होंने कैंप छोड़ दिया। फिर एजेंट को बोला, एजेंट बोलता है इनको, आप ऐसा करें, हॉस्टल में चले जाएं, हॉस्टल में रुकें, तो मैं आपकी गेम करवाता हूँ। तो तकरीबन ये हॉस्टल में चले गए, वहाँ पे ये 7 से 8 दिन उस हॉस्टल में भी रुके हैं। उस टाइम पीरियड में इन्होंने 2 से 3 गेमें की, जिसमें ये 3 दोस्त थे, 7 थे, एक फेम नाम था और एक इरफान नाम था। तो जब पहली गेम हुई इनकी, पहली गेम में ऐसे हुआ कि लोकेशन भेजी एजेंट ने इनको और बोला कि आप इस लोकेशन पे पहुंच जाएं। तो ये जब उस लोकेशन पे पहुंचे हैं, तो वहाँ पे एक ट्रक था, हम तरपाल वाला ट्रक कहते हैं उसको, बंद कंटेनर टाइप ट्रक नहीं था, वो ओपन ट्रक था। तो उसमें 20 से 25 लड़के थे, मुख्तलिफ एजेंट्स के वहाँ पे थे। तो उस ट्रक में इंटर हो गए, उस ट्रक में फिर ट्रक चला है वहाँ से, तो तकरीबन घंटा ही चला था, मतलब बॉर्डर क्रॉस हुआ ही नहीं था अभी, जो सर्बिया के हदूद में ही था। तो पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया इन सबको, लड़कों को नीचे उतारा, और फिर प्रिजनर्स वैन बस मंगवा ली पुलिस वालों ने। तो इन सब लड़कों को उस बस में डाला और वापस जेल की तरफ ले आई। तो रास्ते में इन्होंने, पुलिस वालों ने रोकी, बस रोकी और हमाद को बोला उतरो। इस तरह कहता है, पहले 2 4 लड़के 5 लड़के इस तरह थोड़े थोड़े गैप पे उतार रहे थे नहीं। तो एक जगह और अंधेरा सा आया, तो रात का टाइम था ये, तो माद को बोला उतरो। तो कहता है, मैं तो डर गया कि अभी इस सुनसान जगह में रोड भी उतार रहे हैं, मुझे मार तो नहीं देंगे, वो 100 किस्म से कहता है, मेरे जहन में सवाल आए, तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो खैर ये उधर उतर गया, उतरने के बाद कहता है, मैं वहां पे उतर के खड़ा रहूं, बिल्कुल डरा हुआ था बहुत ज्यादा, तो गाड़ियां चल पड़ी निकल गई। कहते गाड़ियां जाने के बाद भी मैं वहां पे 3 से 4 मिनट खड़ा रहूं कि मुझे समझ नहीं आई कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, अब मैं क्या करूं। तो रात थी, अंधेरा था, कहता फिर मैं उस रोड पे चलना शुरू हो गया कि आगे पीछे कोई मुझे गाड़ी नजर आए तो मैं उसमें बैठ के वापिस अपनी लोकेशन तक चला जाऊंगा। खैर वो किसी जगह पे पहुंच गया आस पास की बस्ती में, वहां से टैक्सी की या बस की जो भी उसने, वहां से अपनी लोकेशन पे पहुंच गया ये। तो अपनी लोकेशन पे पहुंच के कहता, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बच गया हूँ। तो कहता, मुझे ये लगा कि शायद मेरा आगे जाने का है सिलसिला, तो इसीलिए मुझे उतार दिया है ना, मैं बच गया। तो खैर इसका जो दूसरा दोस्त था उसको भी किसी लोकेशन पे उतार दिया मैंने, वो भी कहता है 2 से 3 घंटे बाद रूम में आ गया था। तो फिर हम वहाँ पे रूम में रुके हैं 2 3 दिन और उस जगह रुके हैं। तो इसका जो तीसरा दोस्त था इरफान, तो उसने एजेंट बदल लिया था यहाँ पे ना, इस डंके के बाद उसने एजेंट बदल लिया ना। तो एजेंट बदल लिया तो उसने गेम की, तो
एजेंट बदलने के बाद उसने जब गेम की तो उसकी गेम होगी मतलब कंप्लीट होगी, उसकी गेम ठीक होगी, निकल गया वो। उसने की थी बंद कंटेनर की गेम की थी, कंटेनर वाली गेम की थी। तो उसमें वो कंटेनर में गया तो वो जर्मनी पहुंच गया था, वो जर्मनी जाके उतरा है। फिर उसने रابطہ किया पीछे इन लड़कों से, तो इनको बताया कि मैंने इस तरह इस एजेंट से गेम करवाई थी अपनी, तो मैं अभी जर्मनी में हूँ। तो इन्होंने फिर क्या किया, इस एजेंट के साथ इन्होंने रابطہ नहीं किया, फिर दोबारा उस दूसरे एजेंट से इन्होंने रابطہ किया और उसको बोला इन्होंने कि हमारी भी गेम करवाओ। तो उस बंदे ने इनको कहा ठीक है, एक 2 दिन में हमारी गेम निकलेगी, तो आप मैं लोकेशन भेजूंगा, तो आप लोकेशन पे पहुंच जाना। तो नेक्स्ट डे में, असल में ज़्यादातर गेम में जितनी भी होती हैं नाइट में करते हैं, डे में नहीं होती। तो रात को फिर इनको मैसेज आया कि ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे आप लोग पहुंच जाए। तो दोनों ये चले गए उस लोकेशन पे। तो उस लोकेशन पे कहते हैं ट्रक था, बड़ा ट्रक था कंटेनर वाला, काफ़ी बड़ा। तो ये 7 से 8 लड़के थे उस लोकेशन पे पहुंचे। तो ट्रक में कहता है फ्रिज वगैरह लोड हुए हुए थे, पैकिंग में नए फ्रिज थे। तो कहता है सेंटर पॉइंट उन्होंने खाली किया ट्रक का, उसमें हम 7 8 लड़कों को बिठाया, तो बाकी चारों साइड फ्रिज रख के बंद कर दिया, कंटेनर पूरा लॉक करके। तो ट्रक चलना स्टार्ट हो गया। कहता है ट्रक चल रहे हुए अभी से 15 ही मिनट हुए थे, एकदम ट्रक रुका है। तो कहता है ट्रक रुकने की देर से कि हमारा दिल बंद होने को आ गए कि फिर पुलिस आ गई है, तो पकड़ लिया हम सबको ना। तो कहता है ट्रक कंटेनर ओपन किया है पुलिस ने, और पुलिस ने उतरवाए फ्रीजर उतरवाए। पुलिस को असल में हुई हुई थी मुखबरी कंफर्म, क्योंकि मोस्टली पुलिस इस तरह हर ट्रक को नहीं रोकती, हजारों के हिसाब से ट्रक गुजर रहे होते हैं, हर पुलिस हर ट्रक को इस तरीके से रोके सामान ऑफलोड नहीं करती। तो उन्होंने सामान उतरवाया, सारा सामान उतरवाया, तो बीच में लड़के नजर आ गए इनको सामने पुलिस ने। तो पुलिस ने उन सब लड़कों को लिया और बंद कैंप में लेगी, जेल में लेगी, उसको बंद कैंप भी कहते हैं क्योंकि वहां से ये फैसला ही करते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं इनको, सॉरी। तो हाँ, बंद कैंप में लेगी इनको। जब वो अरद के मकाम है, जगह का नाम है अरद, जहाँ पे ये बंद कैंप है, ये बिल्कुल बॉर्डर है रोमानिया और हंगरी का, ये बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे ये जेल है बड़ी। तो जब मोस्टली वहाँ पे ये इलीगल इमिग्रेंट्स ही होते हैं इनके पास। तो उस जेल में लेगी, तो कहते हैं उस जेल में तकरीबन हमें रखा है ना 1 हफ्ता। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि उन्होंने इंफॉर्मेशन से पूछा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अपने अपने मुल्क से अपने आईडी कार्ड अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ, आपको डिपोर्ट करेंगे हम। तो कहते हैं 2 प्रोसेस होते हैं वहाँ पे, या तो आपको आपकी होम टाउन जो होता है, होम कंट्री होता है उसमें भेजा जाता है, या तो फिर आप जिस कंट्री से इंटर हुए होते हो, सर्बिया से या किसी भी दूसरी कंट्री से पिछली से आप इंटर होते हो रोमानिया में इलीगली, या उस पिछली कंट्री में भेजते हैं। तो कहते हैं ये हमारा ऑप्शन, हमें ऑप्शन दिया था उन्होंने कि आप कोई भी कार्ड दिखा दो जिस कंट्री से इंटर हुए, इनके पास सर्बिया के कार्ड भी बने हुए थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कैंप का कार्ड। तो जो इसका दोस्त था फेम, उसने तो कैंप का कार्ड दिखा दिया कि ये मेरा कैंप का कार्ड है, तो मैं जाना चाहता हूँ वापस सर्बिया। तो इसने अभी ये कुछ नहीं बताया था, ना सर्बिया का बोला था ना पाकिस्तान का। इसने आगे वहाँ पे जो लड़के रह रहे थे जेल में पहले से, तो उनसे पूछा है, तो वो मोस्टली ने ये कहा है कि भाईजान यहाँ पे तो 6 साल 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है, इनकी मर्जी है। अगर आप सर्बिया का लिखते हैं ना कि मुझे सर्बिया में डिपोर्ट करो, तो वहाँ पे इनकी मर्जी है, वो जब इनको दिल होगा आपको डिपोर्ट कर देंगे। वहाँ पे भी कहता है नंबर लगे होते थे लड़कों के ना, कि अब इसका टाइम है, इसको डिपोर्ट करेंगे, वापस भेजेंगे इस तरीके से। तो कहते हैं अगर अपनी कंट्री का आप कहते हो, पाकिस्तान इंडिया बंगाल किसी भी कंट्री से हो आप, अगर उसका कहते हो, तो उसमें ये होता है कि आपको चांसेस होते हैं, थोड़ा जल्दी डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो ये डर चुका था इस दौरान काफी ये बातें सुन सुन के। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि भाईजान मैंने पाकिस्तान जाना है, मैंने अपने होम कंट्री में जाना है। तो फिर पुलिस वालों ने इससे कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपना आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड जो है वो मंगवाएं अम्बेसी के साथ। फिर उन्होंने रابطہ किया, अम्बेसी में इसका कार्ड गया, तो अम्बेसी ने फिर पुलिस से रابطہ किया जो अरद के मुकाम में पुलिस स्टेशन था। तो फिर इसके डॉक्यूमेंट, 1 डे ट्रैवल का डॉक्यूमेंट बनाया गया, तो फिर इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। तकरीबन इसको 15 से 20 दिन उस जेल में रखा, नहीं तो 15 से 20 दिन के दौरान इनका डिपोर्ट का टाइम आ गया था, तो इनको इधर भेज दिया। तो ये डिपोर्ट होके पाकिस्तान आ गया था। जो दूसरा दोस्त था इसका, उसको उन्होंने तकरीबन 6 महीने के साल उसका लगे, तो मतलब उसने जेल काटी है वहाँ पे अरद
अरद के मुकाम पे रोमानिया में, तो फिर उसको वापस सर्बिया में भेज दिया था। तो अब नेक्स्ट उसका तो यही प्रोसेस था, वो कह रहा था कि मुझे जितना भी टाइम लगे मुझे कोई मसला नहीं है, मैं वापस ट्राई करता रहूँगा, मैं कोशिश करता रहूँगा। तो वो उसने जारी बात है वो सर्बिया में वापस भेजा, सर्बिया कैंप में चला गया होगा, फिर कैंप से फिर निकल के फिर वो रोमानिया की डंकी लगाएगा, फिर रोमानिया से आगे इसी तरह सिलसिला चलता है। तो इसने ये डिपोर्ट होके वापस आ गया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान फिर जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने पूछा इस सारे प्रोसेस में दुबई से लेके रोमानिया तक और वापस जो आप रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान, इसमें कितना खर्चा आपका हुआ है? तो ये तकरीबन इनका 12 से 13 लाख रुपया पाकिस्तानी इनका लगा था, जिसमें ये कामयाबी से निकल भी नहीं पाए। असल में हुआ इनके साथ था, ये हुआ था निकल जाते ये भी लड़के, इनकी मुखबरी जो हुई थी वो इनके पहले वाले एजेंट ने की थी, क्योंकि इसको पता चल गया था कि ये इस एजेंट के थ्रू अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले वाले एजेंट ने उस ट्रक की मुखबरी कर दी थी कि इस ट्रक में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बॉर्डर क्रॉस करने लगे हैं, तो उस वजह से ये पकड़ाए गए। अगर मुखबरी ना होती तो ये भी निकल जाते, जर्मनी चले जाते, आगे इटली या किसी भी मतलब यूरोप में इंटर हो जाते, तो फिर ये किसी भी कंट्री में जा सकते थे। शेंजेन में, शेंजेन में जैसे इनकी एंट्री हो जाती, हंगरी शेंजेन कंट्री थी, उसमें इंटर होते तो वहाँ से आगे बॉर्डर तो होते नहीं, नहीं बॉर्डर की चेकिंग होती है कोई शेंजेन किसी में भी, तो ये किसी भी कंट्री में चले जाते। तो ये असल में जो फंस गए थे ये उस मुखबरी की वजह से फंसे थे, इनके अपने एजेंट की मुखबरी की वजह से। तो फिर ये पाकिस्तान आ गया, तो पाकिस्तान में इनके साथ चलो ये भी शुक्र है कि FIA या किसी और इदारे ने इनको पकड़ा नहीं, बस एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट से निकल के ये वापस आ गए थे। तो ये सारी स्टोरी थी। वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप जब भी लीगल डंकी वगैरह लगाते हैं, जो भी काम करते हैं, उससे पहले सबसे पहले आप सोच लिया करके कितना पैसा लगता है, कितना पैसा ज़ाया हो सकता है। ये लक की बात होती है, ये 100% किसी का भी नहीं होता कि मैं अगर डंकी लगा के जा रहा हूँ या मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ तो मैंने निकल ही जाऊँगा। ये आपके नसीब की बात है, आपके रिस्क की बात है, आपका लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप पहुँच जाते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।